हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त ऋतु और अब एक नई वीडियो के साथ आ गई हूं अपने ही चैनल ऋतु ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं कहीं ब्लॉगिंग करने नहीं गई हूं कि मैंने कहीं घूमने जा रही हूं, मैं उसके बारे में टॉपिक बना रही हूं, बल्कि आज का जो मैं ब्लॉग बना रही हूं, जो वीडियो मैंने रेडी कर रही हूं, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दुख भरी बात है कि हमारे जो इंस्पिरेशन है, जिनको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी इंस्पिरेशन है एमके ज़िंदगी के आमिर भैया, और मुझे बहुत दुख हो रहा है बताते कि वो अपना चैनल बंद कर रहे हैं। जब मुझे पता चला कि अपना चैनल बंद कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही दुख हुआ जान के कि जो इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं, इतना इंस्पिरेशन देते हैं लोगों को, इतनी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, उनका चैनल आखिर क्यों बंद कर रहे हैं। दोस्तों मैं खुद ना मैं एग्जांपल हूँ उनका कि मैंने उनकी वीडियो देखकर अपना चैनल स्टार्ट किया। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है, आप पीछे जितनी भी वीडियो मेरी उसमें आप देख सकते हो, मैंने बताया कि मैंने एमके जिंदगी वाले भैया ने मेरी बहुत मदद की है, उनकी वीडियो देख के मुझे मोटिवेशन मिला जिससे मैं वीडियो बना पा रही हूँ, अपना चैनल स्टार्ट किया। और वही इंसान अपना चैनल बंद कर रहा है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो वीडियो भी इतनी अच्छी बनाते हैं, उन्होंने कोई पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं अपना चैनल नहीं स्टार्ट किया था, उन्हें आज भी अर्निंग होती है चैनल से अपने, फिर भी अपना वीडियो बंद कर अपना चैनल बंद कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग उनको जानते हैं, वो सब उनका प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि अपना चैनल ना बंद करें। जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, मैं किसी बड़े यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगी, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, अगर वो अपना चैनल अभी बंद कर देना तो पूरे पब्लिक आधे ज़्यादा यूट्यूबर्स उनके पीछे चले जाएंगे कि सर अपना चैनल मत बंद करिए, प्लीज़ मत बंद करिए। तो वैसे ही मैं आप लोगों से कहूँगी एमके ज़िंदगी चैनल भी बहुत अच्छा है, उन्हें भी बहुत लोग जानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी उनसे कहिए कि अपना चैनल ना बंद करें। और अगर आमिर भैया मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कि अपना चैनल मत बंद करिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सी ऐसे बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, और भी लोग होंगे जो घर में किसी डिप्रेशन में रहते होंगे, कुछ ना करने के अंदर उनके अंदर रहता होगा, कुछ नहीं कर सकते, आपकी वीडियो देख के उन्हें मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ आप अपना चैनल मत बंद करिए, अपने चैनल को और आगे ले जाइए ताकि मेरे जैसे जितने भी बच्चे हैं वो कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकें, सेल्फ डिपेंड बन सकें, जैसे मैं आज बन रही हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मुझे आपकी वीडियो देख के ही इंस्पिरेशन मिला है। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग भी एमके जिंदगी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, उनसे पूछिए कि आखिर क्यों अपना चैनल बंद कर रहे हैं और अपना चैनल ना बंद करें। आप लोग भी जाके थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करिए, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए उनका, क्योंकि वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। आजकल यूट्यूब पे आप देखें, कोई व्हाट्सएप स्टेटस डाला, कोई कुछ डाला, लेकिन वो जितनी भी वीडियो अपनी बनाते हैं, कोई भी बनाते हैं, उसमें सब में वो इंस्पिरेशन होती है, मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं वो। दीपावली की आप इनकी वीडियोज़ देखिए, उन्होंने अपनी दिवाली कैसे लोगों के साथ देकर शेयर की है, किस तरह उन्होंने लोगों को पैसे देके उनकी मदद करी है। तो दोस्तों जो इतना अच्छा इंसान है दिल का, जो लोगों के पैसे देके मदद कर रहा है, अपनी खुशी उनकी खुशी में अपनी खुशियां ढूंढ रहा है, तो प्लीज़ ऐसे इंसान का तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, उनको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके व्यूज़ हैं, उनको भी खुशी हो कि हाँ मेरी वीडियो देख के किसी को मोटिवेशन हो रहा है, इंस्पायर हो रहे हैं लोग, तो अपना चैनल ना बंद करें। तो सो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हाँ इतना अच्छा इंसान अपना चैनल बंद कर रहा है, इसके आगे पीछे क्या वजह है और क्यों अपना चैनल बंद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो शायद ये मैसेज एमके ज़िंदगी के भैया आमिर भैया तक पहुँच पाए और वो अपना चैनल फिर से स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।